फाइनली रेडमी नोट 5 प्रो के लिए MIUI 10.0.1.0 का स्टेबल अपडेट आ गया है। मैंने इसे अपने फ़ोन में अपडेट कर लिया है। कैसे करना ये अपडेट और क्या कुछ नए फीचर्स हैं, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास रेडमी नोट 5 प्रो है, 9.6.4.0 पर हैं आप, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो लिंक है उसे डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं MIUI 10.0.1.0। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है क्या ये अपडेट सस्पेंड हो गया है और स्टेबल का अपडेट, यहाँ पर जो स्टेबल का स्पेलिंग है वो डिफरेंट आ रहा है, तो क्या ये फेक वीडियो है। तो मैं भाई बता दूँ कि मैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं बिना बूट लोडर अनलॉक किए हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे 9.6.4.0 से आप MIUI 10 का स्टेबल अपडेट में जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोन का कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, बस आप अपने फ़ोन में 50% तक का बैटरी बैकअप लेकर इसे पूरा का पूरा अपडेट करें। तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको एक मिल जाएगा लिंक जिसे आपको डाउनलोड करना है, 580 MB का OTA अपडेट। उसे अपडेट करने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज में कॉपी कर लेना है, क्योंकि अगर आप अपडेटर में जाके चूज पैकेज करेंगे तो कभी कभी कांट वेरीफाई होता है, तो फिर से वहां से आपको एक अपडेट फिर से कॉपी करके रखना है जिसे आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैं अपने केस में देखता हूं क्या होता है। तो यहां पर मैं पूरा का पूरा जो रोम था 580 MB का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लें और एक आप इंटरनल स्टोरेज में आप कॉपी कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ये कॉपी हो चुका है। इसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस आप फॉलो करें, आपका फ़ोन जो है इजीली आप चले जाएंगे MIUI 10 स्टेबल अपडेट पर। बहुत सारे फीचर्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरा 9.6.4.0 8.1 ओरियो बेस्ड अपडेट रेडमी नोट 5 प्रो के ऊपर है। तो आपके पास भी अगर यही फ़ोन है और यही अपडेट है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पहले आप लिंक जो है डाउनलोड कीजिए, उसको आप अपने फ़ोन में कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना होगा, सबसे पहले आपको अबाउट फ़ोन में भी जाना होगा और सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सिस्टम अपडेट में जाइए। सिस्टम अपडेट में जाने के बाद 3 डॉट्स मिलेंगे, वहाँ पर चूज डाटा पैकेज का ऑप्शन मिलेगा। फाइल में जाइए और इंटरनल स्टोरेज में जाइए जहाँ पर आपने वो जो रोम है डाउनलोड करके रखा है नीचे, और ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे गेटिंग इन्फो आएगा और अब ये चेक करें कि आपका जो रोम है वो सही है कि नहीं, और यहाँ पर डिक्रिप्टिंग होना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है ये अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुल और आप लोग भी इस रोम से जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है OTA रोम, उससे आप आराम से अपने फ़ोन में अपडेट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 9.6.4.0 डिक्रिप्ट हो रहा है 100% होने के बाद। यहाँ पर 10 से 15 मिनट का आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपका जो रोम है वो चला जाएगा MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल पर। तो एम करता हूँ कि कम से कम 500 लाइक्स आप लोग जरूर कर देंगे इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अपडेट में योर डिवाइस विल बी रिबूट ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आपको टैप कर देना है, बस अब वेट करना है आपको 10 से 15 मिनट। आप वेट करेंगे आपका फ़ोन बिल्कुल चला जाएगा MIUI 10 स्टेबल पर। हो गया ना जादू। और यहाँ पर जो लोग वेट कर रहे हैं MIUI 10 स्टेबल का, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक अलग ही नोट 5 प्रो परचेज कर लिया है, ऐसा मतलब आपको फीलिंग देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कुछ फीचर्स है। आज मैं फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे आपको 9.6.4.0 से 10.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल पर जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वेट किया 15 मिनट और पूरा का पूरा जो फ़ोन है वो डिफरेंट लुक आपको देखने को स्टार्टिंग से ही मिल रहा है। और मैं चला आया यहाँ पर MIUI 10 स्टेबल में, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा न्यू लुक। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसे अप्लाई करें और आप खुद 10 पर जा सकते हैं। जो लोग वेट अभी OTA के लिए नहीं करना चाहते हैं, ये आप सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करें, मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ फॉलो करें और मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछें, मैं हर एक व्यूअर का हर एक फ्रेंड्स का मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। ये देखिए 10.0.1.0 और ये मेरा नोट 5 प्रो चेंज हो गया है 9.6.4.0 से। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है।
तो इस वीडियो में आपको यही बताया, कोई भी प्रॉब्लम को देखने को नहीं मिलता है, आपका फ़ोन का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, बूटलोडर अनलॉक नहीं करना होगा, बस आपका जो फ़ोन है वो आपका 50% तक चार्ज होना चाहिए। इसके अंदर काफ़ी कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, नोटिफिकेशन बार आपका चेंज हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका पोर्ट्रेट में आपका 1.5x का जूम का जो ऑप्शन था वो अभी भी देखने को नहीं मिलता है। और सबसे मतलब फालतू बात ये है कि अभी भी आपको वीडियो सेक्शन के अंदर में 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं ये अपडेट मतलब कौन से अपडेट में ये जो 4K का ऑप्शन है भाई मिलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर बात की बात है, मैं यहाँ पर कल बताऊँगा कि क्या सारे फीचर्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल भी यहाँ पर सर्कल टाइप से बन जाता है, तो काफ़ी डिफरेंट फीचर्स है। फीचर्स की बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताया कि कैसे आप 9.6.4.0 से 10.0.1.0 स्टेबल पर आ सकते हैं काफ़ी इजीली, जो कि एक प्रोसेस है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर फेक वीडियो है, सस्पेंड हो गया है, तो मैं बता दूं कि सस्पेंड नहीं हुआ, ये पार्शियल अपडेट है। 3 दिनों के बाद आपको सभी व्यूअर्स को, सभी यूज़र को यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगा। अभी टेस्टिंग के लिए कुछ यूज़र को देखने को मिला है ये अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें Redmi Note 5 Pro से रिलेटेड कोई भी वीडियो के लिए। बस ऐसे देखते रहें, रवि इन्फोटेक।